हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है डॉक्टर भाटी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यामाहा R15 V3 की फर्स्ट सर्विस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो सिर्फ यामाहा R15 V3 की ही फर्स्ट सर्विस के लिए वैलिड नहीं है। वो सारी चीजें आप कोई भी नई बाइक लें, उसकी पहली सर्विस के लिए जाएं तो आप उन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप बाइक की सर्विस के लिए जाएं तो सीधा मुंह उठा के बाइक की सर्विस करने ना चले जाएं। उससे पहले आप थोड़ा एक रात पहले या जस्ट बाइक सर्विस जाने से आधा पौना घंटा पहले आप उसका मैनुअल खोलिए, जो एक बुकलेट मिलती है बाइक के साथ जिसमें सर्विसिंग के कूपन्स होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बाइक में शुरुआत की एक दो सर्विस फ्री सर्विस होती है। आप उनको देखिए, उनमें लिखा होता है कि क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ वो ही चीजें करवानी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए एज एन एग्जाम्पल मैं यामाहा R15 V3 को ही यूज करूंगा और मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो गाइस, यहां पर हम सर्च करेंगे यामाहा R15 सर्विस मेंटेनेंस, जो नॉर्मल सर्विस मेंटेनेंस होती है। ये हमने ओरिजिनल साइट खोली कंपनी की, मोटरसाइकिल पे गए, सिलेक्ट करा यामाहा R15 BS6 वर्जन। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर्स पर है या फिर 30 डेज ऑफ परचेज पर। BS4 में ये टाइम गैप था या फिर सर्विस इंटरवल था वो 90 डेज या फिर 3 मंथ्स का था, पर अब BS6 के बाद से ये जो सर्विस टाइम इंटरवल है ये बढ़ के 120 डेज यानी कि 4 मंथ्स या फिर 4000 किलोमीटर्स हो चुका है। तो गाइज, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन जिन चीज़ों के आगे टिक लग रहा है वो सब चेक होती हैं सर्विस पे, और जिन जिन चीज़ों के आगे टाइम लिखा है, जैसे ड्राइव चेन पे देखिए 500 किलोमीटर्स या फिर 300 माइल्स, और अलाइनमेंट कंडीशन चेन स्लैक की, और ये देखिए ल्यूबिंग स्पेशल रिंग ओ रिंग चेन ल्यूब्रिकेंट थोरली, ये सब यहाँ पर जो लिखा है कि 500 किलोमीटर्स पर होनी है। तो गाइस, इस पे बेकार एक बार 200 रुपये खर्चने से अच्छा है कि आप कॉम्बो पैक मंगा लें अपने घर पर ही और उसको अच्छे से यूज़ करें। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि सर्विस सेंटर में चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग के ही 200 रुपये ले लिए मेरे से। अब जो उनके कॉस्टिंग है, प्राइसिंग है, वो तो बाय डिफॉल्ट सेट होती है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट गाइस, मेरी ये एडवाइस रहेगी कि जैसे कि आपने देखा कि रिकमेंडेड है कि हर 500 किलोमीटर्स पर अगर आप वेट कंडीशंस में ड्राइव करते हैं, और अगर वेट कंडीशंस में नहीं ड्राइव करते तो नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस से अराउंड 1000 किलोमीटर्स पर आपको चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग कर लेनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज ऑप्शनल है। अगर मैं चाहता मैं वहां पे जाकर इसको मना कर सकता था कि भैया मुझे चेन क्लीनिंग चेन ल्यूबिंग नहीं करवानी, मैं खुद कर लेता हूं, मेरे पास घर पे है, जो भी मैटर है मैं बता देता, तो मेरे सीधे सीधे 200 रुपये कम हो जाते और जो मेरी फाइनल कॉस्टिंग आई थी 805 रुपये वो मुझे अराउंड 605 रुपये पड़ जाती, 200 रुपये सीधा सीधा बच जाते। बट मैंने इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि मेरा एग्जाम था 18th of April को, जो कि अब पोस्टपोन हो गया, पता नहीं अब कब हो। उस चक्कर में बिजी था थोड़ा, तो मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं कर पाया, मंगवा नहीं पाया। नहीं तो अगर आप चाहें तो मोटुल कंपनी होती है, MOTUL, उसका एक कॉम्बो पैक आता है जिसमें चेन क्लीनर और चेन ल्यूब होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यहाँ पे ये आपको 200 रुपये में एक बार चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग कर रहे हैं, उसका शायद पैक अराउंड मैं अटैच कर दूंगा पिक, 350 या 400 रुपये का कॉम्बो पैक आता है और वो ऑलमोस्ट आपके 4 से 5 बार शायद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा तो 4 से 5 हजार किलोमीटर तक आपका वो डन हो गया, क्योंकि इनके हिसाब से तो हर 500 किलोमीटर्स में होना चाहिए, और हर 500 किलोमीटर्स पर आप अपनी बाइक तो सर्विस सेंटर ले जाने नहीं वाले जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग। तो आप ऐसे 200 रुपये और बचा सकते हैं। और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि एक कार्बन क्लीनर या कार्बन फिल्टर टाइप कुछ चीज होती है,
जो कि सर हम आपके टैंक में डालेंगे तो उससे जो भी कार्बन जमा होता है फ्यूल इंजेक्टर पे, ये फलाना ढिमकाना सब क्लीन हो जाता है। मैंने देखा था, मैंने साइट पर भी चेक किया था, ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं था। इवन दो वो कहते भी हैं कि नॉर्मली 4000 किलोमीटर पर रिकमेंडेड है, बाकी ऐसा कुछ सी नहीं है। उनके पास अवेलेबल होगा तो वो बोलेंगे सर बिल्कुल डलवा लो, नहीं होगा तो इधर उधर की बातें करके कहेंगे कि सर थोड़ा लंबे गैप पर रिकमेंडेड है, आप फिर से आइएगा तो हम डाल देंगे। उसका गाइज मेरी नजर में कोई फायदा नहीं है। अगर वो रिकमेंडेड होता, काम का होता, तो बिल्कुल बिल्कुल साइट पर लिखा रहता, क्योंकि बहुत सी चीजें रिकमेंडेड नहीं है। वो सर्विस सेंटर वाले जबरदस्ती चेप देते हैं, और जिन भाइयों को नहीं पता होता वो बेकार में दे एंड अप पेइंग मोर जिसकी जरूरत नहीं होती। तो प्लीज गाइज जो आपके मैनुअल में लिखा है सिर्फ उतनी ही सर्विस कराइए, क्योंकि सर्विस सेंटर से सर्विस कराने का मेरा एक ही मेन मोटो है कि अगर मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं अपनी वारंटी क्लेम कर सकूं। अब नॉर्मली इस पे 2 साल की वारंटी मिलती है, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली है जिससे 5 ईयर्स की वारंटी हो गई है, तो बस मुझे 5 साल तक बेसिक सर्विस जो उस सर्विस में जरूरी है मैं सिर्फ वो काम सर्विस सेंटर से करवाऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी फालतू नहीं करवाने वाला, क्योंकि बस मुझे वही नीडफुल है जो चाहिए ताकि अगर मेरी बाइक में कुछ भी इश्यू आए तो मैं वारंटी क्लेम कर सकूं अपनी सर्विस हिस्ट्री दिखा के। और जो ये कंपनीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यामाहा R15 V3 की बात कर रहा हूं, इन्होंने बहुत सारे टेस्ट रन किए होते हैं, बहुत सोच समझ के जो कि रिक्वायर्ड चीजें होती है बाइक की लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी और फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस के लिए, ये वो सब रिकमेंड करते हैं। तो जैसे अगर साइट या मैनुअल में कुछ भी रिकमेंडेड है देन यू शुड गो फॉर इट, और अगर कुछ भी सर्विस सेंटर वाले खुद से आपको चेप रहे हैं तो प्लीज उससे बचे, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपने देखा अगर मैं यहां चाहता तो मेरी 605 रुपए में सर्विस हो जाती, 600 रुपए यहां पे बचते। तो अगर आप चाहें चेन ल्यूबिंग चेन क्लीनिंग घर पर भी कर सकते हैं, वो कॉम्बो पैक मंगा के रख लीजिए हर 1000 किलोमीटर पर, यू कैन डू इट इजिली। यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगी जिन पर चेन ल्यूबिंग और चेन क्लीनिंग सिखा रखा है। तो गाइज आज की वीडियो इसी चीज पर थी कि फर्स्ट सर्विस कैसी थी, क्या रहा, और आप कैसे अगर कोई भी बाइक की फर्स्ट सर्विस के लिए जाए तो बस जो उसके मैनुअल में रिकमेंडेड है सिर्फ वही चीजें करवाएं, और 1 रुपए की चीज फालतू करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और फिर भी अगर आपको बाइक से कुछ ज्यादा प्यार है, अलाइनमेंट हो गई या कुछ भी टेफ्लॉन कोटिंग हो गई, कुछ भी अगर ऐसा कराना है तो मेरा मानना है कि बाहर से कराएं, रीजनेबल प्राइस मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही।